दिन बिहार में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं अस्पतालों में भी डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहां के प्रशासन के द्वारा डेंगू से बचाव को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में कई लोगों की मौत की खबरें सुनने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति कितनी है, कितने स्वास्थ्य कर्मी अपने कामों को सही ढंग से कर रहे हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था करवाई गई थी। लेकिन अब अस्पतालों में मॉनिटरिंग का भी अभाव दिखाई देता है। यहाँ के डॉक्टर्स अपने काम के समय में भी अस्पतालों से गायब दिखाई देते हैं। वहीं कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपने कामों को सही ढंग से करते हैं, उनके भरोसे ही अस्पताल की पूरी ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड चलाई जाती है। आपको बता दें कि बिहार राज्य के नवादा जिले के अस्पताल में ओपीडी व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से मरीजों को इलाज करवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के अस्पतालों में डेंगू से जुड़े अलर्ट को जारी किए जाने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देता है। आज के समय में बिहार के कई जिलों की सदर अस्पतालों की हालात ऐसी हो गई है कि अब उनकी नियति में केवल मरीजों को किसी अच्छे उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करना ही रह गया है। जिला प्रशासन के द्वारा डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए उसके रोकथाम को लेकर सजग और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि घरों के आसपास पानी को जमा न होने दे। इसके लिए आप सभी गमले का पानी, टायर, कूलर, फ्रिज आदि के पानी का नियमित रूप से सफाई करते रहें, ताकि उसमें डेंगू का मच्छर ना पनप सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो रात के बजाय दिन में ही काटता है। इस मच्छर से खुद का बचाव करने के लिए सभी लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने शरीर पर एंटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे कपड़े पहने जिससे आपका पूरा शरीर ढका हो। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश के अनुसार बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए पहले फुल शर्ट, फुल पैंट, जूता आदि सभी चीजें पहनानी होंगी, जिससे उनका शरीर पूरी तरह से ढका रहे और डेंगू के मच्छर उन्हें ना काट सके। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है। इन लक्षणों के जानने के बाद आप सही समय पर अपना इलाज करवा सकते हैं। डेंगू होने पर अचानक सिर में दर्द या तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है। वहीं अगर डेंगू ज्यादा गंभीर हो तो कई बार नाक, मुंह, मसूड़ों से खून भी आता है और साथ ही त्वचा पर चकते उभर आते हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो बिना समय गवाए अस्पताल जाएं और डॉक्टरों से निष्कर्ष लें। वहीं अगर इससे बचाव की बात करें तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें और अपने आसपास के स्थानों पर पानी न जमने दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।